आप देख रहे हैं आर्य न्यूज, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। हरतालिका तीज के अगले ही दिन से गणेश चतुर्थी पर्व की शुरुआत हो जाती है और ये पर्व पूरे 10 दिनों तक चलता है। साल 2021 में इस उत्सव की शुरुआत 10 सितंबर से होने जा रही है और इसका समापन 19 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के दिन होगा, जिसे गणेश विसर्जन के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश का जन्म हुआ था। आज से ही गणेश उत्सव की शुरुआत हो गई। अब वैसे तो ये पर्व पूरे भारत में काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में इस पर्व की खास रौनक देखने को मिलती है। तो वहीं यूपी में भी इस बार गणेश उत्सव का खास धूम देखने को मिल रही है और मंदिरों में खास तौर पर गणपति भगवान को खूबसूरती के साथ सजाया जा रहा है। आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मंदिर में गणपति भगवान का एक आसन लगाया हुआ है, जिस पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित है। उनके साथ ही उन्हें खूब लड्डुओं का, मिठाइयों का भोग लगाया जा रहा है। आपको बता दें, मोदक गणपति भगवान का पसंदीदा व्यंजन माना जाता है और गणेश चतुर्थी के अवसर पर ज्यादातर श्रद्धालु गणपति भगवान को मोदक का भोग चढ़ाते हैं। ऐसे में ये पंडाल सजाया हुआ है खूबसूरती के साथ और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग भी देखने को मिल रही है, जहाँ पर गणपति भगवान का स्वागत किया गया। और बता दें कि गणेश चतुर्थी आज से शुरू हो गई है, शुभ आगमन गणपति बप्पा का हो चुका है। देश में दूर दूर से जो है लोग गणपति के दर्शन करने के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही घर पर भी गणपति बप्पा को मेहमान बनकर स्वागत किया जा रहा है। तो वहीं क्या कुछ धूम उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है गणपति बप्पा की, आज उसके लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं शाहिद, हमारे संवाददाता। शाहिद, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ वहां पर ताजा तस्वीरें देखने को मिल रही है। जी पल्लवी, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, आज जो है श्री गणेश पति बप्पा की जो है चतुर्थी के मौके पर जो है महापर्व के शुरू हो चुका है और वहीं हम जो है ना आज पहुंचे हैं, जहां आप मेरे पीछे साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से सजावट का काम किया गया है। पूरी तरीके से जो है गणपति बप्पा की मूर्ति को पूरी तरीके से सजावट दी गई है और वहीं हम बात करना चाहेंगे जो यहाँ की कमेटी के लोग हैं और जो यहाँ पे श्रद्धालु आए हुए हैं, उनके बारे में उनसे उनकी राय पूछना चाहेंगे कि यहाँ पे किस तरीके की जो है व्यवस्था की गई है और किस तरीके के यहाँ पर जो है हर चीज को देखते हुए जिस तरीके से जो है तीसरी लहर आ चुकी है और बच्चों के लिए घातक बताई जा रही है, उसके बारे में हम मालूम करना चाहेंगे जो यहाँ के जो है स्थानीय लोग हैं। जी, आपका नाम? जी दर्शन, मेरा नाम दर्शन। जिस तरीके से तीसरी लहर यहाँ पर आई है तो यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्था की गई है? जी, यहाँ पे बच्चों के लिए जैसे तीसरी लहर में बहुत खतरा है तो उन्हें बच्चों की देखभाल देखते हुए 2 गज की दूरी सबको पालन करने के लिए कहा गया है। मास्क की व्यवस्था की गई है और सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है और उसी के साथ हम ये चाहते हैं कि जैसे इस ये महापर्व श्री गणेश चतुर्थी का इस ये अच्छे सकुल से संपन्न हो जाए और तीसरी लहर जो इस पर कोई भी प्रभाव न पड़े। जी, अब हम यहाँ से बात करना चाहेंगे जो यहाँ के जो है स्थानीय कार्यकर्ता है और उन सभी लोगों से। जी, आपका नाम? राकेश गौड़। जी राकेश गौड़ जी, यहाँ पर जिस तरीके से गणेश चतुर्थी की पूजा संपन्न शुरू हुई है और वहाँ पर आप देखे जा रहा है कि भाई जगह जगह जो है ना तीस लहर भी स्टार्ट होती है, उसके बारे में आपका क्या कहना है, यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था की गई? जो तीसरी लहर आने की संभावना है और उससे हम सब ग्रसित हैं, कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, लेकिन आस्था भी अपना स्थान रखती है, इसलिए इस बार हमने जो गणेश उत्सव है उसमें कुछ विशेष व्यवस्थाएं की है। एक तो बिना मास्क के किसी को प्रवेश हम नहीं दे रहे हैं, 2 गज की दूरी मेंटेन की जा रही है और विशेषकर जो बच्चों को लेकर डर है कि थर्ड वेरिएंट जो आएगा वो बच्चों के लिए खतरनाक है, बच्चों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि बच्चे थोड़े लापरवाह हो जाते हैं खेलकूद में, तो उनको बार बार हैंड सैनिटाइज कराया जा रहा है, मास्क भी उनको पहनाया जा रहा है। 2 गज की दूरी भी है और सैनिटाइजेशन को लेकर क्या कुछ व्यवस्था वहां पर की गई है, कितनी देर में मंदिर को सैनिटाइज किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से श्रद्धालुओं का लगातार आना जाना बना हुआ है, श्रद्धालु लगातार आए रहे हैं, तो आप जो है इस बारे में ये बताएंगे कि भाई जिस तरीके से श्रद्धालु बराबर
आ रहे हैं सुबह से, जो भी लंबी कतारें लग रही हैं, तो उसको देखते हुए आप जो है सैनिटाइज से जो है कितनी कितनी देर में यहाँ पे सैनिटाइज किया जा रहा है और क्या क्या व्यवस्था पूरी की जा रही है? नगर निगम मेरठ के सहयोग से हर 4 घंटे बाद हम इस पूरे पंडाल को सैनिटाइज कराते हैं, 2 घंटे लगातार श्रद्धालु दर्शन करते हैं, फिर 1 घंटे का विश्राम देते हैं। इस प्रकार से श्रद्धालु भी समझ रहे हैं इस विषय को, अधिक समय नहीं लगा रहे, कम समय अपने श्रद्धा अर्पित करने में और पूजा करने में लगा रहे हैं और व्यवस्था बिल्कुल सही चल रही है, कहीं कोई खतरा नहीं है और गणेश जी महाराज सबका भला करेंगे और तीसरी लहर को आने से रोकेंगे, ऐसा सभी श्रद्धालु लोगों का मन है, ऐसी हमारी मानसिकता है, ऐसी हमारी श्रद्धा है। शायद क्योंकि कोरोना का इस वक्त काल चल रहा है, हम चाहेंगे अब इनसे पूछें कि इस बार श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो किस हद तक वहां पर पहुंच रही है, कितने श्रद्धालु पहुंच रहे हैं? आज इसके बारे में आपको क्या कहना है, बच्चों किस तरीके से जो है आप सैनिटाइज वगैरह करा? हम गणेश जी महाराज के सभी भक्तजन संपूर्ण देशवासियों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, विशेषकर उनसे जिनके छोटे बच्चे हैं अभी, कि विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है, तीसरी लहर बिल्कुल आसन्न खड़ी है लेकिन बचा जा सकता है, सावधानी ही बचाव है, सैनिटाइजेशन का उपयोग करें, 2 गज की दूरी रखें, कितने लोग वहां पहुंच रहे हैं, भीड़ कैसी है मंदिर में, घर में ही रहें और जो जो गाइडलाइन सरकार ने दे रखी है पालन करें, जब तक बच्चों की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता। कितने लोग यहाँ पर जो है आपने एक बार के अंदर एंट्री दी जा रही है और उसको देखते हुए आप कितनी देर में? एक बार में 12 श्रद्धालुओं का जत्था आता है, जब वो चला जाता है फिर अगले 12 का हम जत्था बना रहा, क्योंकि उससे हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर पा रहे हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर जो है मंदिर के अंदर सारी चीजों की व्यवस्था की गई है और बराबर जो है 4 घंटे के बाद जो है यहाँ पर सैनिटाइज किया जा रहा है और जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें जो है 12-12 की जो है टुकड़ियों में कर जो है अलग अलग गैप के हिसाब से जो है यहाँ पे जो है श्रद्धालु अपना आ रहे हैं और वो पूजा आराधना कर रहे हैं। शायद हम चाहेंगे एक बार दर्शकों को आप दिखाएं पूरी तरह से किस तरह से पंडाल सजा हुआ है, क्योंकि वाकई काफी खूबसूरत लग रहा है। जी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पूरी किस तरीके से जो है ये पंडाल सजा हुआ है और सब जगह जो है ना ये इन्होंने सजावट की रही है और गणपति बप्पा को जो है बिल्कुल सिंहासन इस तरीके से सजा रखा है कि आप जो है मेरे पीछे साफ तौर से देख सकते हैं कि वहां पर किसी के भी जाने की जो है व्यवस्था नहीं करी है, जिसे भी दर्शन करने हैं वो सब दूर से ही करेंगे, पास जाने की किसी को भी अनुमति नहीं है। और शायद प्रसाद जो होता है प्रसाद किस तरीके से दिया जा रहा है, खुला प्रसाद दिया जा रहा है या फिर पैकिंग में दिया जा रहा है, उसके बारे में हम चाहेंगे आप पूछे उनसे। नहीं, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर जो है प्रसाद की जो व्यवस्था की गई है वो बिल्कुल ही इन्होंने जो है ना एक लॉक पिन्नी के अंदर जो है ना प्रसाद दिया जा रहा है और वो भी बिल्कुल मेन गेट के बाद उन्हें प्रसाद दिया जा रहा है, ये नहीं कि उन्होंने खोल के रख रखा है, प्रसाद पहले से ही इन लोगों ने जो है पैक करके रख रखा है पिन्नियों के अंदर। जी शाहिद बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमें देने के लिए और इतना खूबसूरत पंडाल हमें दिखाने के लिए। एक बार फिर से दर्शकों को दिखाना चाहेंगे किस तरीके से पंडाल सजा हुआ है, गणपति बप्पा आ चुके हैं और अब 10 दिनों तक धूमधाम से गणपति बप्पा को मेहमान बनाकर जो है लोग घरों में भी ले आते हैं और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। और इसी के साथ ही बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। तो बता दें खबर बहराइच से है जहां केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए कृषि कानूनों का किसानों की ओर से लगातार विरोध किया जा रहा है, वहीं अब किसानों का नेतृत्व कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत के खिलाफ शहर के कई जगहों पर पोस्टर लगने से सनसनी फैल गई है। बता दें कि ये पोस्टर किसान कर्ज मुक्त अभियान कमेटी नाम के संगठन की ओर से लगाए गए हैं और पोस्टर में राकेश टिकैत को किसान के नाम पर कलंक बताते हुए उन्हें जूते मारने पर 11 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई। बता दें कि राकेश टिकैत के खिलाफ लगाया गया ये पोस्टर, इनमें टिकैत पर खालिस्तान, देशद्रोही, हवाला और कांग्रेस से फंडिंग कर आंदोलन चलाने का आरोप लगाया गया है। साथ ही आपको बता दें शहर के विकास भवन जिला जज गेट के सामने जेल के पीछे की दीवार पर पानी की टंकी और तिराहों पर कई जगहों पर इनफैक्ट रोडवेज पर भी पोस्टर इस तरह के लगाए गए हैं और साथ ही देखा जा रहा है पोस्टर में साफ तौर पर यह लिखा है कि राकेश टिकैत को जूते मारने वालों को 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। साथ ही आपको बताते चलें कि राकेश टिकैत किसान कुल को किसान के कुल का कंस बता दिया गया है।
पोस्टर में यह भी लिखा गया कि जो भी राकेश टिकैत को जूते मारेगा उसको संगठन की ओर से 11 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। साथ ही राकेश टिकैत के खिलाफ जगह जगह चस्पा किए गए यह पोस्टर को लेकर लोगों में चर्चा का बाजार गर्म है। और देश में लोगों की गाड़ी कमाई अब फ्रॉड उड़ा रहे हैं। बैंकों में लोग सुरक्षित समझकर पैसे रखते हैं, लेकिन देवरिया की बैंक की सुरक्षा राम भरोसे चल रही है। बताते चलें कि देवरिया शहर के बीचों बीच सबसे बड़ी स्टेट बैंक की ब्रांच की चेकिंग करने पहुंचे सीईओ सिटी श्रेयस त्रिपाठी ने इसका खुलासा कर दिया है। उन्होंने बताया कि बैंक का इमरजेंसी अलार्म खराब मिला, जिसकी शिकायत पत्रिका में सीईओ ने दर्ज की है। साथ ही बताते चलें कि देवरिया के अधिकांश बैंकों में अलार्म महीनों से खराब पड़े हैं। ऐसे में जनता के पैसों की सुरक्षा भगवान भरोसे चल रही है। देवरिया के एसपी लगातार ठगी से लोगों को बचाने के लिए आह्वान कर रहे हैं और टीम बनाकर जांच पड़ताल की जा रही है। ऐसे में सीईओ सिटी श्रेयस त्रिपाठी ने मीडिया से साफ कहा कि अलार्म खराब मिल रहे हैं, जिसके लिए हिदायत दे दी गई है। बुलंदशहर के पहासू पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पहासू पुलिस ने पुलिस मुठभेड़ के बाद इन शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने गिरफ्तार किए गए बदमाशों के कब्जे से चार चोरी की बाइकें बरामद की और गिरफ्तार अभियुक्त किसी बड़ी लूट की घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, जब पुलिस ने इन्हें धर दबोचा है। मोहम्मद नवाब जो खुर्जा देहात के भटवारा गांव के रहने वाले हैं, ये दो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और इनके तीन साथी मौके से भागने में सफल रहे। कुल पांच अपराधी थे जो डकैती लूट की योजना बना रहे थे और सुबह के समय अर्ली मॉर्निंग लगभग 4:30 बजे के आसपास एक पुलिस मुठभेड़ में इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से चार मोटरसाइकिलें मिली हैं, जिनमें एक मोटरसाइकिल पर ट्रैक्टर का नंबर दर्ज है। तीन अन्य मोटरसाइकिलें हैं जो चोरी की हैं, उनके संबंध में और गहनतापूर्वक जानकारी का प्रयास किया जा रहा है। इनके भागे हुए साथियों का भी नाम पता आज ज्ञात हो गया है, उनकी गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। यह एक शातिर गैंग है। और उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी में आपको बता दें कि पूरा मामला दिलावर चौराहे के मकनपुर गाँव का बताया जा रहा है, जहाँ थाना प्रभारी रिश्वत लेकर अवैध खनन करा रहे हैं। बता दें लगभग कई दिनों से अवैध खनन का यह कारोबार चल रहा है और अवैध खनन जब इस मामले को लेकर मीडिया कर्मियों द्वारा रात में फोन किया जाता है तब एसएचओ साहब फोन ही नहीं उठाते। कई दिनों से खबर चलाने के बावजूद कोई कार्रवाई भी नहीं की गई। इस मामले को लेकर उच्च अधिकारियों से बात की गई है, तब जाकर उन्होंने उचित कार्रवाई करने की बात कहकर मामले को टाल दिया। पूरा यह मामला लोनी कटरा थाना क्षेत्र के दहिली मोड़ मकनपुर का बताया जा रहा है, जहां पर स्थानीय लोगों का यह आरोप है कि पुलिस की मिलीभगत के साथ जो अवैध खनन के कारोबारी हैं, अवैध खनन का यह काला कारोबार चला रहे हैं। साथ ही पुलिस पर रिश्वत लेने का भी आरोप सामने आया है। वहीं इस खबर में ज्यादा जानकारी के लिए राहुल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ ताजा मामला है और क्या कुछ अपडेट है इसमें अब? जी पल्लवी जी, मैं बता दूं ये मामला थाना लोनी कटरा के अंतर्गत पड़ता है, जो कि पूर्वांचल एक्सप्रेस की आड़ में जो है तीन दिन से लगातार थाना प्रभारी की मिली भगत से जो है खनन करवाया जा रहा है यहाँ पर। जी तो क्या कुछ कार्रवाई आला अधिकारियों की तरफ से देखने को मिली है? जी जब आप पत्रकारों द्वारा जो यहाँ पर सूचना जो है देने के लिए लोनी कटरा प्रभारी का नंबर मिलाया जाता है, तो लोनी कटरा प्रभारी उस नंबर को जो है रिसीव ही नहीं करते फोन, क्योंकि वो इस मामले में लिप्त है पूरी तरह से। तो आला अधिकारियों के पास शिकायत पहुंचाई गई है क्या? जी आला अधिकारियों से शिकायत की गई है, तो उन्होंने जो है जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिया गया है, लेकिन अभी तक वहां पर कोई कार्रवाई नहीं दिखाई दे रही है। राहुल, कब से चल रहा है ये अवैध खनन का कारोबार वहां पर? ये जी पल्लवी जी, मैं बता दूं ये तीन दिन से लगातार जो है यहाँ पर अवैध खनन चल रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर जो है खनन माफियाओं के हौसले बुलंद किए जा रहे हैं यहाँ थाना प्रभारी की मिली भगत से, यहाँ पर यह देखने को मिल रहा है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस की आड़ पर जो है निजी जो है
प्लाटों पर जो है पटावी कराई जा रही, छह छह डंपरों से। जी राहुल, कोई ग्रामीण जो है वहां पर या स्थानीय लोग जो है उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर? जी, यहाँ पर जो ग्रामीण लोग हैं इस विषय में जो उनसे चर्चा की गई है तो उन्होंने जो है थाना प्रभारी को जो है यहाँ पर दोषी ठहराया है, क्योंकि उनकी मिली भगत से यहाँ पर जो है खनन पूरी तरह से जो है चल रहा है। जी राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से खबर सामने आई है बाराबंकी से, यहाँ पर अवैध खनन का कारोबार जोरों शोरों से चल रहा है। दिन दहाड़े जिस तरीके से यहाँ पर सरेआम अवैध खनन किया जा रहा है, और शिकायत के बावजूद जो अधिकारी हैं, जो पुलिस प्रशासन है, उसकी नींद टूटने का नाम नहीं ले रही है। बता दें कि मामले को टाल दिया जा रहा है। हमारे पत्रकारों ने उनसे जब बात करने की कोशिश की तब भी इस पूरे मामले को टाल दिया गया और कार्रवाई का आश्वासन देकर छोड़ दिया गया है। हालांकि आपको बता दें पुलिस फोन भी नहीं उठाती, और ऐसे में पुलिस पर साफ तौर पर यहां पर मिली भगत से अवैध खनन करवाने का मामला सामने आया है। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां बुलंदशहर के खुर्जा देहात पुलिस ने दो शाते बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए बदमाशों के पास से पुलिस ने चोरी का सामान भी बरामद किया। दरअसल आपको बता दें कि गिरफ्तार शातिर बदमाशों से चोरी की मोटरसाइकिल और दो स्कूटी बरामद की गई है। बदमाशों से अवैध असला भी पुलिस ने बरामद कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के द्वारा एक बहुत अच्छे शातिर वाहन चोर गिरोह का अनावरण किया गया है। ये दो अपराधी हैं, आमिर और बबलू, जो कस्बा सिकंदराबाद के रहने वाले हैं, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिसूचना थी उसके आधार पर इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनके कब्जे से कुल 11 वाहन बरामद किए गए हैं, जिसमें मोटरसाइकिलें हैं और एक जो है वो छोटी गाड़ी है। तो इस तरह से जो गाड़ियां इनके कब्जे से बरामद की गई हैं उनमें से एक की कनेक्टिविटी हो गई है, जो खुर्जा देहात थाना क्षेत्र से चोरी की गई थी, जिसका मुकदमा लिखा गया है। अन्य गाड़ियों के असली नंबर भी हमको प्राप्त हो गए हैं केवल। और एटा में दबंगों ने बेरहमी की सारी हदें पार कर दी, जिसके चलते कर्जदार मजदूर की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। दरअसल घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान मजदूर की मौत हो गई है। तो वहीं बताते चलें कि परिजनों का कहना है कि बीजेपी नेता और पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश वशिष्ठ पर हत्या का आरोप सामने आया है। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि घर से उठाकर ईंट भट्टे पर बांधकर बंधक बनाकर मजदूर के साथ मारपीट की गई। साथ ही मजदूर पर करीब 2.5 लाख रुपए का कर्ज था, और वहीं वो परिजन घर गिरवी रखकर कर्ज अदा करने लगे थे, लेकिन जिसके बाद परिजनों ने पुलिस से अब न्याय की गुहार लगाई है। बताते चलें कि थाना क्षेत्र के गांव फफूतू का रहने वाला था ये मजदूर, जहां पर उसकी बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई। दिनेश विशेष आयते करता है, ठीक है ना, हमारे मामू को लेके गए, मतलब पैसे की हालत में गनर के साथ आए, उन्होंने किया कि मतलब पैसे थे हमारे मामू पे ऐसे 1-2 लाख रुपए, ठीक है ना। वो आए लेने पैसे, लेके गए उनको पैसे की, ये मांगा कहा आप पैसे दे दो, ठीक है ना। मामू ने कहा कि पैसे अभी नहीं है हमारे पास, 2-3 दिन में दे देंगे। तो उन्होंने धमकी दी, तुरंत बेटार के गन के साथ आए और लेके गए उनको अपने साथ। फिर हमसे हमने बोला कि हम पैसे लेके आ रहे हैं, दो एक आध दिन में, मामू को मारना मत। उन्होंने बार किया, पटों से मारा और सब चीज, मतलब उनके नीचे भी मारा और घोटू वोटू सब, उनकी पतली भी तोड़ दी, यहाँ पूरा मारा। और फिर 2-3 दिन में लेके आए वहाँ अपने घर। तो उन्होंने बोल दिया हमसे कि मतलब धमकी दे दी, हमने कही हम पुलिस से मतलब रिपोर्ट करेंगे। उन्होंने हमको धमकी दे दी कि अगर पुलिस रिपोर्ट करी तो धारे तुमको भी मारेंगे, इसलिए हमने पुलिस रिपोर्ट नहीं की। फिर उसके बाद में हम आए घर यहाँ पर लेके, उनकी हालत ज़्यादा डाउन हो गई। फिर हम आज सुबह रात में, मतलब कल की रात लेके आए हम हॉस्पिटल में उन्होंने दम तोड़ दी। फिर यहाँ पर पुलिस आई, और कब उठाकर ले गए थे घर से? वो 28 तारीख को उठाकर ले गए थे, आज इनकी मौत हुई, हाँ रात में। और देवरिया जिले के खामपार थाना क्षेत्र की पुलिस को आज एक बड़ी कामयाबी मिली, जहां पुलिस ने अंतर जनपदीय और वाहन चोर का खुलासा किया है, जिसके पास से 22 चोरी की बाइकें बरामद की गई, और साथ ही एक बोलेरो जीप को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। साथ ही मौके से एक स्कॉर्पियो कार भी जब्त की गई। चोरी की घटना में शामिल 7 वाहन चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जो वाहन बरामद किए गए उनमें से लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, बिहार से
चोरी किए गए वाहन थे और इस संबंध में एसपी देवरिया डॉक्टर श्रीपति मिश्रा ने बताया है कि जिले के खामपार थाना क्षेत्र की पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जिससे भारी संख्या में बाइक चोर और चार पहिया वाहन को पुलिस ने बरामद किया। साथ ही आपको बता दें कि ये जो गिरोह है कई जिलों में और कई राज्यों में ऑपरेट करता था और इसी के साथ ही चोर गिरोह का खुलासा पुलिस ने किया है और जिस टीम ने इस घटना का पर्दाफाश किया उस टीम को पुलिस की तरफ से 15,000 रुपए और डीआईजी गोरखपुर परिक्षेत्र की तरफ से 25,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई। थाना खामपार पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें पुलिस ने 22 मोटरसाइकिलें, 4 बोलेरो और 1 स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद की गई है उनके द्वारा, और ये चोरी के सभी 27 वाहन विभिन्न स्थानों से चोरी किए गए हैं। बोलेरो के संबंध में एक मुकदमा थाना सरोजनी नगर लखनऊ में पंजीकृत है, एक मुकदमे का लिंक गोमती नगर थाने लखनऊ से मिला है। इसी तरह से मोटरसाइकिलों के संबंध में इस जनपद के थाना सलेमपुर, बनकटा, कोतवाली में उनका लिंक मिला है। इसके अलावा वाराणसी के थाना कोतवाली से चोरी गई एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। थाना मीरगंज, गोपालगंज से चोरी गई मोटरसाइकिल बरामद हुई है और शेष मोटरसाइकिलों तथा शेष दो गाड़ियां हैं उनके बारे में पुलिस ट्रेस कर रही है। इस संबंध खबर देवरिया से है, जो देवरिया जिले के साइबर सेल और सदर थाना कोतवाली क्षेत्र के पुलिस टीम को आज उस समय बड़ी कामयाबी मिली जब सिविल लाइंस के गगन होटल के सामने राधिका कंप्यूटर से 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिनका नाम मनीष कश्यप और रवि गुप्ता बताया गया, जिनके पास से एक अदद कंप्यूटर सेट और एक लैपटॉप और एक प्रिंटर जैसी तमाम चीजें बरामद की गई। साथ ही लेमिनेशन मशीन और 17 फर्जी आधार कार्ड बरामद किए गए हैं। बता दें कि पुलिस ने कहा कि चरित्र और प्रमाण पत्र, एक फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस और 2 उत्तर प्रदेश सरकार का ओरिजिनल लोगो और अदद मोबाइल फोन के 4,310 रुपए नगद भी बरामद किए गए। ये गोरख धंधा काफी दिनों से फल फूल रहा था और इस दौरान इस संबंध में एसपी डॉक्टर श्रीपति मिश्रा ने बताया कि साइबर सेल और सदर थाना कोतवाली क्षेत्र की पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली, जहां सरकारी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह का खुलासा किया गया और 2 आरोपियों को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आपको बताते चलें कि घटनास्थल पर फर्जी आधार कार्ड, अंक पत्र, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, डीएल भी बरामद किया गया है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।